हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ क्योंकि मैं तीन तीन घंटे रूहान के साथ सोती हूँ। जैसे ही वो फीड लेता है सो जाता है तो मैं भी सो जाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मैं पी रही हूँ अपना अजवाइन का पानी। और ये देखो यहाँ पे सब लोग जो है रूहान से मिलने आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ करें क्योंकि आज अजूनी को पूरा एक साल हुआ है, यानी राजवीर बग्गा को एक साल हुआ है, है ना? तो आज कुछ करना चाहिए। और तो तुम लोग जाके कुछ अच्छा इंतजाम करो, है ना? कुछ डिसाइड करते हैं और फिर हम क्या करेंगे वो हम आप लोगों को रात में ही बताएंगे। आज एक्चुअली शोएब को थोड़ा लेट होने वाला है क्योंकि वो आज उनकी 9 से 9 की प्रॉपर शिफ्ट है। वैसे तो उनको छुट्टियां काफी देने पर अभी बीच में 3 दिन का काम है तो वो पूरा 12 आवर्स शूट करेंगे। तो 9 बजे पैकअप होगा, फिर जिम जाएंगे तो आधे तक लेट हो जाएगा। बच्चे भी नीचे, हम भी अपने घर की शुरुआत करेंगे, दीपिका शुरुआत करेगी, फिर सब तो करना चाहिए, बनता है। तो कुछ अच्छा सा करेंगे आज। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक थी या खासी थी? तो चलिए आज उसकी तैयारी करते हैं और फिर शाम में शोएब को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते हैं। ये आज दादी पे उद्घाटन हो गया। दादी ऊपर तो बहुत अच्छा लगा है। रोज करना दादी के ऊपर रोज। अब बातें सुनने लगे, एकदम समझने लगे। हाँ जी, हो गया सब? यस, सब हो गया। केक हो गया, बलून्स हो गए, और वो जो पोस्टर बना रखा वो भी रेडी हो गया। और 8 बजे हर चीज लेकर आ जाएंगे। सुपर। और फिर जल्दी स्टार्ट करेंगे। यस, मैं बुकेज ऑर्डर कर देती हूँ, है ना? कितने बोलूँ? तो शोएब ने हमारा थोड़ा सा जो है पचका कर दिया है क्योंकि आज आइडली शोएब की 9 to 9 होने वाली थी शूट, उसके बाद वो जाने वाले थे जिम। तो हमारा एस्टिमेट था कि आज वो घर आएंगे 11:30 तक, जो उन्होंने सुबह मुझे बोला था। लेकिन अभी सडनली उनका फ़ोन आया कि वो निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके आने के बाद मैं वापस उनको भेजूँगी, अरे आप अड्डे पर जाके आओ, और तब तक मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा मेरा फ्लॉप शो हो गया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फैब्रिक पेंट से इस पे लिखूंगी, लेकिन वो फैब्रिक पेंट से अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं परमानेंट मार्कर से लिख रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रूहान के साथ उसके पापा का पहला स्पेशल दिन है तो रूहान की तरफ से कुछ तो होना चाहिए ना। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी प्रेपरेशन करती हूँ। मुझे जो मैंने बुके ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया था उनके यहाँ से भी फ़ोन आ रहा है, चलो मैं ये कर लूँ फिर बाद में मिलती हूँ। सो ये हो गया रेडी। रूहान ये पहनेगा तेरे वास्ते कुछ भी, अपने पापा के लिए, अपने पापा का ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करने के लिए। सो आज राजवीर बग्गा के किरदार को, यानी कि अजूनी शो को एक साल पूरा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको सभी में बताया, इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट क्योंकि द शो हैज़ डन वेल, अच्छा शो रहा है, सक्सेसफुल शो रहा है। तो आज का दिन जो है थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चे जो है वो केक और फ्लेक्स प्रिंट हमने जो करने दिया है वो लेने गए हैं, मैंने तब तक ये लिख दिया है। और क्योंकि एक्चुअली हम प्रिंट करवाना चाह रहे थे पर बहुत देर से हमारा दिमाग चला तो उसको 3 दिन लगते इसलिए प्रिंट नहीं हो पाया, तो मैंने जैसे तैसे लिख दिया है मार्कर से। ठीक ठाक है, बहुत नीट नहीं हुआ पर ठीक है, चलेगा, समथिंग इज़ बेटर देन हैविंग नथिंग एट ऑल। सो अभी शोएब है रस्ते में जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं थोड़ी सी हाइपर इसलिए हो गई हूँ कि हमारा प्लान जो है पूरा गड़बड़ हो गया है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। पहली बार मुंबई के ट्रैफिक से मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने शोएब को मैसेज किया कहाँ पहुँचे हो, तो कहते कांदीवली भी नहीं पहुँचा, बहुत पैक ट्रैफिक है। बोला अरे रे कोई बात नहीं, कितना टाइम दिखा रहा है, तो कह रहे हैं 46 मिनट, मतलब 1 घंटा। चलो तो थोड़ी उम्मीद है कि उनको वापस अड्डे पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं के यहीं जो है सब कुछ हो जाएगा क्योंकि अभी बच्चे भी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। लेट्स सी। अंदर ही रख दो तब। चलो अभी इसको कैसे लगाना है वो फिगर आउट कर लो। हाँ हाँ, मैं आपके पास ही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। आराम से
हम इसे बुकेस का वेट कर रहे हैं और शोरूम नीचे आ चुके हैं अम्मी के घर पे। वो मुझे फ़ोन करके पूछ रही है क्या है यार मुझे अम्मी उठने नहीं दे रही। हम लोग रेडी हैं पापा के लिए। He's ready to welcome papa. चलो 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 अभी खुश हो गया नीचे बैठे। हाँ ये चेंज करने गया था जिम जाओगे और फिर आते तक 11:30 तो दिप्पी जरूर होंगे। चलो मैं कल अड्डे पे नहीं जाऊंगा मैं सीधा घर आऊंगा। तो मैं बच्चों को बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल के बैठी हूँ कि अरे वो 11:30 से पहले नहीं आने वाले। एंड 8:00 मुझे 8:00 मुझे वीडियो कॉल आता है कि मैं एक्चुअली जिम जाता लेकिन जो ट्रैफिक मिला है ना आज 2.5-2 घंटे में ट्रैफिक में अटका हूँ फिल्म सिटी से यहाँ पे आने में बारिश और ट्रैफिक तो फिर बैठे बैठे मेरी हालत सर दुखने लगा। दिख रही है ये मैं नीचे गया तो यहाँ पे ये मैं नीचे गया तो बोलती बैठो मैं हाँ इसलिए आया हूँ मैं पापा से मिला यहाँ जाके बैठा अब मेरी याद है 5-10 मिनट अम्मी से बैठा सब हाल चाल पूछे सब चीजें 10-15 मिनट हो गए मैं चलो अम्मी चलता हूँ थक जाऊँ ताकि रोहन से ही मिल लूँ। अरे बैठो मैंने क्या मतलब बोलती हाँ बैठो बोलती जब जब से रुहान आया तू बैठता नहीं यार अम्मी अपनी हाँ वेरी गुड अम्मी मैंने कहा अम्मी ये क्या बात हुई बोलती बेटा देखो चाहे कितना भी बच्चा हो जाए कितनी भी बीवी हो जाए माँ का वक्त माँ का होता है सही है
तो मैंने कहा आज आप ऐसी बातें भी कर रही हो, मैंने कहा मैं कब नहीं आता हूँ, आता तो हूँ रोज बैठता हूँ अच्छे से सारी चीजें, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सर दुख रहा है चाय पीने का मन कर रहा है हम चाय बना दें। रास्ता रोक लिया नहीं जा तब मैंने तुम्हें फोन किया क्या कर रही ये बहुत ही हाँ ये तो सोचा ही नहीं था और जल्दी जल्दी मैंने मिला नहीं ना तो इन्होंने पेन से लिखा है स्केच पेन से। हाँ पर स्माइल कर रही है। फीड नहीं अभी खेल हाँ अभी उठा है ना अभी तो उठा है ना अभी उठा पिएगा थोड़े दिन जब तक शांत लेटा है तो लेटा है। हाँ रोहन देख कौन है देख बुआ अजीरे का मुझे दिखा रहे हो देख रहे हैं। हाँ जी और आज है 30th जुलाई करीबन 2-3 दिन हो गए हैं मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया है और बड़ा मज़ा आया उस दिन। वैसे सबसे ज़्यादा क्यूट जो चीज़ थी वो था जो रूहान ने पहना था उसे देख के शोएब बहुत ज़्यादा खुश हो गए है ना बड़े एक्साइटेड हो गए थे। और आज ये देखिए ये चलते फिरते क्या चलता रहता है नहीं शोएब सोया है वो आराम से हो गया? उस दिन की फीलिंग बताओ चलो इसको देख के तेरे वास्ते कुछ भी मैं बहुत ज्यादा स्पेशल थी बहुत ज्यादा स्पेशल थी। इनफैक्ट मैं तुमसे यही बात कर रहा था कि जब लास्ट ईयर अजूनी शुरू हुआ था तो हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि जब यू नो एक साल इसका कंप्लीट होगा तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। बट सही मायने में अगर देखा जाए तो ये शो मेरे लिए हम सबके लिए बहुत ज्यादा लकी रहा है। इस शो के दौरान हम बहुत ग्रो किए हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं लाइक जैसे ये घर आ गया सबर की शादी हो गई रूहान आ गया तो बहुत से मायनों में बहुत स्पेशल रहा है ये शो और बहुत कुछ सिखाया है इस शो ने तो यस। और एक साल होने पर इससे जो टी-शर्ट पहनी थी ना तेरे वास्ते तो वो मजा गया। कहते ना कोई काम आपको फलता है तो ये हाँ, काम है हाँ, कि ये काम बहुत फला है इसलिए जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। तो माना कि मैं काफ़ी लेट हो गई थी ब्लॉग डालने में लेकिन पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक फॉर कंप्लीटिंग 1 सक्सेसफुल ईयर। और अभी इनकी जो है छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो ये ऐसे ही दिन भर बेटे को लाड करते रहते हैं घूमते रहते हैं उसे परेशान करते रहते हैं है ना। और आज नानू भी मिलके गए ये देखो फिर भागे शोएब वो सो रहा है सुकून से। नानू भी मिलके गए हैं इसको और हम ना अब तक मैं और शोएब ये डिस्कशन करते हैं कि किस पे गया है किस पे गया है। और अब तक जिसने भी देखा है बोला है कि पूरा मम्मी पे गया है यानी कि मुझ पे गया है और स्पेशली ये पोर्शन जो है ये पूरा मेरी तरह है। और मैं ना बड़ा इस रूहान की छोटी सी उंगली को मैं ऐसे ऐसे करके शोएब को चिढ़ाती हूँ कि मुझ पे गया है और आज पापा ने आते ही मेरा पचका कर दिया और बोला बिल्कुल शोएब की तरह है। चलो कोई बात नहीं लेकिन ऐसा कहते हैं कि अभी बच्चों के फीचर्स बहुत बदलते हैं आई एम श्योर बदलेंगे क्योंकि मैंने अपने सामने कीनू को देखा है अनुषा की डॉटर को वो जब बॉर्न हुई थी तो वो बहुत अलग दिखती थी और अब बहुत अलग लगती है तो देखते हैं कि किस पे जाता है। हरकतों से तो आप पे ही जाएगा तो मेरी है फॉर श्योर ऐसे सोना वो तो हमको स्कैन के टाइम से पता है जिस तरीके का ये मूड है ये फिर भागे। तो इन 2-3 मिनटों में आप 3 बार जा चुकी हो तो आप लोग सोचो ये पूरे दिन में कितना उसके पास भाग के जाते होंगे। बट इट्स ये ही सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बदल देती हैं और ज्यादा प्यारी हो जाती है जिंदगी हो गई है एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। ऐसा लगता है बस बैठे ही रहो इसके सामने।
हमारे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, तो एक्चुअली हमारे व्लॉग्स ना बनने का एक रीजन ये भी है कि हम पूरा पूरा दिन बैठ के इसको सिर्फ देखते रहते हैं, कभी हंस रहा है, कभी गुस्सा दिखा रहा है, कभी कुछ, वो जो एक्टिव स्लीप में बच्चे मुंह बनाते हैं। सो हमारा तो ये पागलपन चलता रहेगा, फिलहाल यही सब कुछ चल रहा है घर में। ये ब्लॉग मैं यही खत्म कर रही हूँ, बहुत जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दिव्या की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा क्योंकि अभी काफी कुछ है जो आपके साथ शेयर करना है। कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग जल्दी आ पाए लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि पूरा दिन बहुत कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। सो बस लव यू गाइस।